फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शाहरुख और दीपिका की जोड़ी ने देश को प्राउड फील कराया। वहीं इस घटना से नाराज बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर भी सवाल उठाए। जहां एक तरफ अपने ही देश में दीपिका को उनके भगवा वस्त्रों को लेकर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं दुनिया उन्हें सराकों में बिठाकर फीफा जैसे बड़े टूर्नामेंट में ट्रॉफी अनावरण का मौका दे रही है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब भारतीय सिनेस्टार ने फीफा जैसे बड़े टूर्नामेंट का ट्रॉफी अनावरण किया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आई शाहरुख और दीपिका की ये तस्वीर हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं पठान मूवी और बेशरम गाने को विरोध करने वाले बीजेपी नेता ये सब देखकर बखला उठे हैं। लोग इस तस्वीर के सहारे बीजेपी नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने दीपिका की इस तस्वीर पर बीजेपी को जवाब देते हुए लिखा, दीपिका पादुकोण आपके ऊपर गर्व है, क्या बॉयकॉट गैंग फीफा वर्ल्ड कप को भी बंद करा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राधिका खेरा ने प्रकाश राज के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रकाश जी भक्तों को इस बात की गुस्सा है कि विश्व प्रसिद्ध मोदी जी जिनके कहने पर रूस यूक्रेन युद्ध रुका, उनकी जगह कोई और भारतीय कैसे ले सकता है। बेशरम भक्तों की जलन भावना पूरे देश ने देखा। दोस्तों पूरी दुनिया शाहरुख और दीपिका को जानती है, लेकिन बॉयकॉट गैंग के लीडर नरोत्तम मिश्रा को नहीं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करें, और हाँ ऐसे ही देश दुनिया खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।